और चलिए अब बात करते हैं, बदला गया इरफान का पता, सपा को चुभी सिग्नेचर वाली सजा, क्योंकि सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की जेल से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज शिफ्ट कर दिया गया है। अब इरफान की इस जेल बदली पर सियासत गर्म है, क्योंकि जब से जेल बदली की बात शुरू हुई थी तब से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। वहीं अब एक सवाल इरफान से कराए गए 1300 सिग्नेचर का भी है, जिसे सपा पुलिस का टॉर्चर बता रही है। बदल गया इरफान सोलंकी का पता, सपा को चुभी सिग्नेचर वाली सजा। कानपुर से 400 किलोमीटर दूर सोलंकी की जेल बदली पर सियासत भरपूर। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से सियासत गर्म है, लेकिन अब ये सियासत और ज्यादा उबाल मारने लगी है, क्योंकि अब इरफान सोलंकी की जेल का पता बदल गया है। उन्हें कानपुर से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जब इरफान सोलंकी कानपुर जेल से महाराजगंज की जेल के लिए जा रहे थे तब उनके हाथ में कुरान थी, लेकिन अपनी माँ और पत्नी को देख वो भावुक हो गए। मीडिया ने सवाल पूछे तो चुप रहे। दरअसल इरफान को समझ नहीं आ रहा है कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो कैसे इन सब से निपटे, क्योंकि हर दूसरे दिन उन पर एक नया मुकदमा दर्ज हो जा रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जेल बदली की प्रक्रिया आज हो गई है। कानपुर जिला जेल में इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ काफ़ी दिनों से बंद हैं और शासन स्तर पर यह फैसला लिया गया। 13 दिसंबर को जिला जेल कानपुर की तरफ से प्रशासनिक आधार पर और सुरक्षा के मद्देनज़र एक पत्र लिखा गया था कि इरफान सोलंकी की जेल बदली जाए, क्योंकि वो एक विधायक हैं और तमाम लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। अब तक इरफान पर कुल 14 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप फातिमा नाम की महिला के प्लॉट को कब्जाने की नीयत से आग लगाने का है, क्योंकि इसी केस के बाद इरफान की गिरफ्तारी हुई। लेकिन जिस तरह से इरफान की जेल बदली हुई उससे राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि इरफान सोलंकी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि उनकी जेल बदली जाए। मुकदमे लग गए हैं, मैटर सब जुडिश हो गया है और मैटर को अब अदालत में जो निर्णय आएगा उस निर्णय पे सबको स्वीकार भी होगा, स्वीकार करना भी होगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसा माहौल है, ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है माननीय विधायक का कि जिससे उनको यहाँ से इतनी दूर जेल में महाराजगंज भेजा जाए। वही एक सवाल 1300 सिग्नेचर का भी है, क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को कानपुर का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब प्रमाण पत्र की जांच के लिए पुलिस इरफान सोलंकी से 1300 से ज्यादा सिग्नेचर करा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इरफान सोलंकी की मुश्किल कहां जाकर खत्म हुई, क्योंकि सोमवार को अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे थे। उसके ठीक थोड़ी देर बाद इरफान सोलंकी पर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। भाई जो आजम खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो लगभग 87-88 मुकदमों का है, तो अभी तो ये धीमे चल रहे हैं, ये तो बहुत स्लो हैं। ये सारी झूठी कहानियां, झूठी बातें, लगातार उत्पीड़न। जब अखिलेश यादव जी आए, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया हैं आज तारीख में, उनके आने के बाद उनको चिल्लाने की नीयत से ये मुकदमा किया जाना सरासर अधिकारी की मानसिकता को दिखा रहा है। क्योंकि बढ़ते मुकदमे हो या नई जेल, हर बात इरफान सोलंकी की मुश्किल में इजाफा कर रही, जो आजम खान की याद दिलाती है, क्योंकि इसी तरह आजम खान पर 2019 में मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ था और देखते ही देखते आजम खान पर 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस मुश्किल वक्त में अखिलेश यादव इरफान सोलंकी के लिए क्या करेंगे। क्या जेल में मिलाई भर से अखिलेश की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, या फिर अखिलेश इरफान के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई भी लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।